साथियों के तुरंत बाद त्यागने के सर नहीं कलम मधु बस टुकड़ी। जैसे ही ये मैच मध्यांतर होती है आप दोनों टीम ग्राउंड में लाइन अप कर लेंगे। शर्मा युवा क्लब मधु वर्सेस टोकरा एफसी। अभी यहां पर शानदार पांच पांच आते हुए ग्रीन गार्डन के टीम क्या यहां पर मौका मिल सकती है। यहाँ पर 70,000 और ट्रॉफी थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज 15,000 रुपया रखा गया है, जिसका प्रवेश शुल्क मात्र 13,000 रुपया रखा गया है। आप सभी खेल प्रेमी अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो के कमेटी से मिलकर अपना प्रवेश दर्ज करा लेंगे। धन्यवाद। इस मैच के तुरंत बाद खेलने के लिए तैयार रहेंगे। इस मैच के तुरंत बाद शर्मा युवा क्लब मधु वर्सेस टोकला एफसी के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के टीम मैनेजर से निवेदन है कि अपने प्लेयर को मैदान से लाइनअप कराएं। धन्यवाद। इस मैच के तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा शर्मा युवा क्लब मधु वर्सेस टोकला एफसी के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के टीम मैनेजर से निवेदन है कि अपनी टीमों को ग्राउंड पर लाने की कोशिश करेंगे। रे भाई है, अब देखना होगा एक मौका मिलता है या फिर से बॉल खाने का नौबत आएगी। लेकिन दोनों ही टीम बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
गोल पोस्ट के इर्द गिर्द गोल मंडराते हुए अभी तक डूमर दगा एफ सी के खतरा टला नहीं। ये दोनों टीम के खिलाड़ी काल के बजाय और आदर्श पूर्वक गोल के साथ साथ खेल का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज का उद्घाटन मैच तिजोर टोली वर्सेस चकापुर एफसी के बीच अभिनंदन रिक्शा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी इसी तरह से स्वागत और मैच होगा। क्योंकि हमारे प्लेयर प्लेयर अतिथि लोग को आने जाने में कष्ट होती है, इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार 80,000 और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी और तृतीय पुरस्कार 20,000 और चतुर्थ पुरस्कार 20,000 रुपया रखा गया है। रोहित कच्छप और मार्शल लकड़ा की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय सूरज मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन एबीसी सबुकेरा की ओर से किया गया है। इस टूर्नामेंट का
पहला ग्रुप एक आए, दूसरा मैच है इस टूर्नामेंट में। और यहाँ पर शानदार पास, उतने ही अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा। बहुत सुंदर, जोरदार ताली होना चाहिए। मैनेजर आपसे निवेदन है कि कृपया करके मंच पर आकर मिल लें और यहां से प्लेयर लिस्ट ले जाएं। थोकला एफसी के टीम मैनेजर जहां कहीं भी हैं मंच पर आए और कमेटी से मिल लें। ध्यान देंगे थोकला एफसी के टीम मैनेजर, आप अपना यहाँ मैच कराकर प्लेयर लिस्ट ले जाएंगे। टोकला एफसी के टीम मैनेजर
आज का ग्रुप ए का दूसरा मैच डुमरडगा एफसी वर्सेस ग्रीन गार्डन गोरखपुर के बीच खेला जा रहा है। और यहां पर फ्री किक मिलता हुआ ग्रीन गार्डन गोरखपुर का टीम को। ग्रीन गार्डन गोरखपुर की टीम है और इस तरह से दोनों में दोनों टीमों के बीच मैच शुरू होते हुए यहां पर शानदार पास लेकिन गोलकीपर के पास और इस मैच के तुरंत बाद तैयार रहेंगे सरनाई व कलम मलगो भक्त पकड़ रखती।